अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक रवायत में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दोनों हदीसों को मिलाने से ये बात मालूम हुई। कौन सी दोनों हदीसें? कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो ये बहुत डरने की चीज़ है। आप एक तरफ देखेंगे वो हदीस के एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो वो जन्नत में जाएगा। तो एक सहाबी थे हुजूर के साथ, उन्होंने कहा वह इन सरक़ा, अगरचे जना करे और चोरी करे। फरमा हाँ, अगरचे जना करे और चोरी करे। फिर उन्होंने कहा अगरचे जना करे और चोरी करे, तो हुजूर ने फरमा हाँ। तो मतलब उनको ताज्जुब हो रहा था कि ईमान की बुनियाद पर वो जन्नत में चला जाएगा अगरचे इतने बड़े बड़े गुनाह किया, और एक तरफ ये है कि राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिना करने वाला, चोरी करने वाला अपने आप को मुजरिम समझता है। क्या समझता है? और एहसास कमतरी का शिकार होता है कि मैं गुनहगार हूँ, नाफरमान हूँ। लेकिन जिसके अंदर किब्र होता है ना, वो अपने इस गुनाह को गुनाह समझता नहीं है। तो गुनाह को गुनाह नहीं समझना ये ईमान को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। और जिन लोगों को वाकईतन इस गुनाह के गुनाह का एहसास था वो उसके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उन्होंने हज़रत को ख़त लिखा कि हज़रत मेरे अंदर किब्र का मर्ज़ है, मैं इलाज कराना चाहता हूँ। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको इलाज कराना ही है तो तुम आ जाओ हमारे यहाँ। पूछा वाकईतन इलाज कराना है या इसी कह रहे हो? क्या नहीं, वाकईतन इलाज कराना। तो बोले दिन भर का खाना तोशा बांध करके फजर की नमाज़ में आ जाओ, और फजर की नमाज़ फला मस्जिद में पढ़ो, जहर की नमाज़ फला मस्जिद में पढ़ो, असर की नमाज़ फला मस्जिद में पढ़ो, और हर नमाज अलग अलग मस्जिद में पढ़ो अलग अलग गांव में, और नमाज़ के बाद खड़े होकर के लोगों में ऐलान करो कि लोगों, मेरे अंदर किब्र की बीमारी है, मैं तकब्बुर का मरीज़ हूँ, आप हजरात दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। फजर में ये ऐलान करना है एक मस्जिद में, जहर में यही ऐलान करना है दूसरी मस्जिद में, और फिर उसके बाद हर नमाज में अलग अलग मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है और हर नमाज में ऐलान करना है। आप सोचिए मौली साहब कि ये काम कितना मुश्किल काम है। उन्होंने 4-5 दिन अलग अलग मस्जिदों में ये किया था। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया और फिर उसके बाद जो है खिलाफत से नवाज़ा और कहा कि अब जो है तुम्हारा इलाज हो चुका है। तो जो लोग इलाज करवाते थे वो हजरात इस तरह सच्चे तालिब होते थे, मुखलिस होते थे, और फिर शेख की हिदायत पर अमल करते थे। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह 17 साल की उम्र में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बन गए थे, और अल्लाह ताला ने ख़ानदान भी बहुत आला दिया, हुस्न व जमाल भी था और मनसब भी बहुत बड़ा और इल्म और सलाहियत भी बहुत ज़्यादा। तो हज़रत थानवी को ख़त लिखा कि मेरे अंदर उजब आ गया है। उजब के माने अपने आप को अच्छा समझना। तो हज़रत ने लिखा कि तुम चुपचाप से सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ। चले गए तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खानकाह में जो लोग आते थे उनके जूते सीधा करने की खिदमत में लगाया और एक हफ़्ता अपने पास रख करके और फिर उसके बाद उनको रुख्सत किया। तो ये हजरत मकाम और मनसब में इतने आला और अल्फा होने के बावजूद अपने मर्ज़ को समझते थे और फिर उसका
इलाज करते थे और अपने आप को बुज़ुर्गों के सामने बिल्कुल फना कर दिया था इन लोगों ने, और बुज़ुर्गों की हिदायत पर पूरे तौर पर अमल किया।